वेलकम 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 टू माय सुधीर पाठक यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और आज के इस बिजनेस सेशंस में, आज के इस मनी मेकिंग सेशंस में हम समझेंगे द वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई स्टार्टअप फेल। दैट्स अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन फॉर ऑल पीपल्स। क्यों होता है स्टार्टअप फेल? डू यू नो दैट व्हाई मेनी पीपल्स आर फेल? आई एम आल्सो इन फ्रंट ऑफ यू दैट फर्स्ट टाइम I got a failure in my first startup. That's a very big problem, because the mean is that I didn't have any knowledge. My apna intention mein apne aap ko bataun ki mujhe market ki knowledge to thi, production ki knowledge nahi thi. Main apna review de dun, fir main bataunga ki kya reason hota hai aur kyun log fail hote hain. Mujhe market ki knowledge thi, lekin mujhe collection ki knowledge nahi thi, mujhe production ki knowledge nahi thi. मेरे को पूरी तरीके से मैनेजमेंट नहीं आता था। जब हमें कोई चीज नहीं आती है तो हमें वो चीज सीखना पड़ती है। सो आई वांट टू टेल अबाउट दैट सम ब्रेकिंग न्यूज़ दैट आई गॉट अ मच मोर लैक्स ऑफ मनी लॉस ऑफ माय बिजनेस। सो आई एम जस्ट आफ्टर दैट वी लर्न दैट न्यू टाइप्स ऑफ बिजनेस कैसे धंधा किया जाता है। जिसको बिजनेस नहीं आता है, माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू फर्स्ट एडवाइस टू यू बिफोर वीडियो You have to find out that business को पहले सीखो, learn करो, then business start करो। Business कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, business बहुत बड़ी चीज है boss। So first chapter is that lack of vision। जब हम धंधा start करते हैं, जब हम business start करते हैं, तो हमारा ऐसा बड़ा vision नहीं होता है। हमें लगता है कि नहीं, हम सब कर लेंगे, हम सब कर लेंगे, हमारे को सब आता है। My dear friends, सब नहीं आता है। यदि सब आता ना, तो आज बिजनेस में आप कहां के कहां होते। आपको वो सीखना पड़ता है, विजन जनरेट करना पड़ता है, एक मिशन पे जाना पड़ता है। जिस तरीके से एक योद्धा अपने मिशन की तरफ जाता है, उसी तरीके से आपको भी बिजनेस के एक मिशन पे खड़ा होना होगा। मैंने देखा है कई तरह के कई बिजनेस पीपल्स एक छोटा सा बिजनेस चेन स्टार्ट करते हैं, वो चेन को बढ़ा लेते हैं, एक दो तीन चार पांच ऐसे अलग अलग सिटीज में अलग अलग वो अपने शोरूम्स खोल लेते हैं। लेकिन एकाएक ऐसी घटना घटती है कि वो शोरूम खत्म हो जाता है। इंदौर में एक चैनल स्वीट्स के मार्केट में स्टार्ट हुआ था, मिष्ठान। मैं नहीं जानता कि कई लोग जानते होंगे, लेकिन मिष्ठान ने एक दो तीन चार ऐसे अलग अलग आउटलेट्स खोले और उसके बाद धड़ाम से सारे आउटलेट उसके बंद हो गए एंड देन वाइंड अप द बिजनेस बिकॉज द राइट They don't have a proper knowledge how to work the chain system because no guidance, no knowledge, no excitement, no work. So be focused on that. Your first, make it that your vision. What do you want to do in your life? So make it that first vision. Now second chapter is that is business model failures ka bada reason hota hai aapki success or failure ki gap. That's a doubt. जो बिजनेस मॉडल आपने बनाया है, आपको उस पर डाउट नहीं करना है। आपको उसका स्टेप बाय स्टेप आपको उस प्रोसेस पे आगे बढ़ना है, क्योंकि एक छोटी सी लाइन ही है फेलियर और सक्सेस में। या तो आप फेल होगे या आप सक्सेस होगे, तीसरी कोई चीज नहीं होने वाली आपके साथ। या तो आप फेल होगे या सक्सेस होगे, तो आपको किधर जाना है, यू डिसाइड इट। फेलियर की तरफ जाना है, आपको पता होना चाहिए कि फेलियर का ये गलत रास्ता है और सक्सेस का ये सही रास्ता है। तो सक्सेस के रास्ते पे जाने के लिए वो स्टेप आपको पता होना चाहिए। एक और बड़ा प्रॉब्लम है, वो है पुअर टीम। टीम मैनेजमेंट एक बड़ा डिसीजन होता है कौन हमारे साथ काम करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस, सबसे ज्यादा वेजेस आपका मैनेजमेंट के ऊपर, टीम के ऊपर लगता है। और यदि टीम बराबर आपके साथ काम ना करे, 100% दैट यू विल गेट द फेल। बिकॉज कई बिजनेस में टीम बिजनेस को डुबाती है। आई डोंट वॉन्ट टू शो द नेम, बट बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहां पे जिस कंपनी में, जिस आउटलेट पे लड़के काम करते हैं, वो लड़के इंडिविजुअली अपना काम भी स्टार्ट कर देते हैं एंड दे आर नॉट पैशनेट कि यार मेरी कंपनी से मेरे को क्या लेना देना, कंपनी चले या ना चले, मुझे तो तनख्वाह आ रही है, मुझे तो सैलरी आ रही है। 100% डियर फ्रेंड्स, वो कंपनी का वजूद अच्छा नहीं है, वो कंपनी बहुत जल्दी डूबने वाली है। क्योंकि जिस कंपनी के साथी, जिस कंपनी में काम करने वाले लोग उसके साथ नहीं खड़े हैं, 100% वो कंपनी कंपनी नहीं होगी, वो कंपनी 100% डूब जाएगी। इसलिए
ऑनेस्टी ऑफ दैट यू एंड योर टीम। आप भी ऑनेस्ट रहो अपने बिजनेस के प्रति और आपकी टीम को भी इतना मोटिवेट करो, बी ऑनेस्ट दैट दिस वर्क। नाउ नॉट अंडरस्टैंड द मार्केट प्रॉब्लम। कई धंधे कई बिजनेस इसके कारण डूब जाते हैं कि उनकी बाउंडिंग मार्केट से नहीं होती है। मार्केट क्या मांग रहा है और आप दे क्या रहे, व्हाट मार्केट इज डिमांडिंग। मार्केट मांग रहा है एक्स और दे रहे हो वाई। जब आप एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन नहीं जानोगे तो 100% आपको डूबना निश्चित है, आपका फेल होना निश्चित है। पहले तो आप स्टूडेंट से नया बिजनेस करने के लिए उतरे हो, वो फिर भी आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है और फिर भी आप काम को करना शुरू कर दिए हो तो आप पास हो गए फेल। इसलिए डियर फ्रेंड एक सजेशन यहाँ पे देता हूँ, आप एक हमारे जैसे कंसल्टेंट को आप हायर कर लो। आपको बिजनेस में कहीं ना कहीं बहुत कुछ सपोर्ट मिलेगा और आप कम से कम फेल तो नहीं होंगे। सो यहाँ पे मार्केट को समझना बहुत जरूरी है, मार्केट की बारीक बारीक चीजों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, मार्केट के एक्सपीरियंस होल्डर लड़कों को रखना बहुत जरूरी है। रनिंग कैश आउट, यहाँ पे एक और फार्मूला बहुत माइन्यूट में काम करता है कि आप यदि 1 लाख का धंधा कर रहे हो, 1 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हो तो आपकी जेब में 3 लाख रुपए होना चाहिए। इसका रीजन बता दूं, द फर्स्ट अमाउंट दैट फॉर दैट योर प्रोडक्ट, सेकंड अमाउंट इज दैट योर डीलर्स आर मार्केट एंड थर्ड अमाउंट इज दैट योर रूलिंग। 3 अमाउंट यदि आपके पास होते हैं तो ही आप बिजनेस करें, चाहे 1 रुपए का बिजनेस हो, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 1 करोड़ का हो। आपके पास 1 करोड़ है तो आप 25 लाख रुपए का बिजनेस करें और यदि आपके पास 25 लाख रुपए तो 5 लाख रुपए का बिजनेस करें, क्योंकि रनिंग कैश आउट होना बहुत बड़ा डिफिकल्ट होता है बाजार में और आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। नाउ बैड प्रोडक्ट इन द मार्केट, मार्केटिंग में आप गलत प्रोडक्ट की मार्केटिंग करोगे तो आपको रिजल्ट भी गलत होगा, आपका तरीका भी सही होना चाहिए मार्केटिंग में। पता चले आप FMCG के मार्केट में आप किसी और प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हो तो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज इट्स नॉट द बॉन्डिंग। चाहता क्या है बंदा और आप दे क्या रहे हो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो चूज द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हो, क्या मार्केट की नीड है, क्या मार्केट में ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट करते हो, ये बहुत ही माइन्यूटली आपको फोकस करना पड़ेगा और चूज करना पड़ेगा, तभी जाके आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। पुअर मार्केट पुअर एग्जीबिशंस, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। द पुअर मार्केट, मार्केट भी पुअर है, इंडस्ट्री भी डी ग्रोथ कर रही है और आपका एग्जीक्यूशन भी डी ग्रोथ है, तो जब पुअर पुअर का कॉम्बिनेशन बनेगा तो 100% डूबत तो है। यदि विन विन का कॉम्बिनेशन बनता है तो हमेशा सक्सेस मिलती है, और पुअर पुअर यानी कि फेल फेल का कॉम्बिनेशन बनता है तो दोनों चीजें फेल हो जाती है, मार्केट भी फेल है और आप भी फेल हो तो कहां से सक्सेस मिलेगी दोस्त। सो फोकस ऑन दैट मार्केट अंडरस्टैंडिंग, मार्केट में आप पुअर मार्केट में भी आपका स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन है तो 100% उस मार्केट में कुछ लोग तो सर्वाइव कर ही रहे हो ना, तो आप लोग भी सर्वाइव कर पाओगे। एग्जाम्पल दैट कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में आज की तारीख में ऑनलाइन ऑफलाइन का बड़ा बड़ा फाइट है, तो ऑफलाइन मार्केट में ऑनलाइन मार्केट की कई प्रॉब्लम्स है, ऑनलाइन मार्केट में भी प्रॉब्लम्स है और ऑफलाइन में भी है, लेकिन ऑनलाइन ग्रोथ कर रहा है, ऑफलाइन ग्रोथ नहीं कर रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज की आपकी अप्रोच ही पुअर है। हमें पता है कि मार्केट डाउन है, पर हम अपनी अप्रोच को डाउनफॉल में क्यों चलाएं, हम अपनी अप्रोच को अपर साइड में क्यों ना जाएं। जब हम अपनी पावर के साथ अपने मार्केट को क्रैक करते हैं तो 100% हमारी तो विन होती है, पड़ोसी की हो ना हो उससे हमें लेना देना नहीं है। हम अपनी विनिंग को फोकस करके काम करें, हम अपनी सेल क्लोज को फोकस करके काम करें, तभी तो हम मार्केट में विन कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट, लूज फोकस एक्सक्लूसिव फोकस ऑन वीकनेसेस। पहली बात तो हम अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हम बोलते हैं मार्केट नहीं चल रहा है, तो दैट इज वेरी प्रॉब्लम। सो डियर फ्रेंड ये हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है, नॉट फॉर द मार्केट प्रॉब्लम। नंबर टू कि आपका फोकस आपकी वीकनेस पे, कमजोरी पे फोकस क्यों करते हो, स्ट्रेंथ पे फोकस क्यों नहीं करते हो। जब हम अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ती है, कमजोरी पे फोकस करते हैं तो कमजोरी बढ़ती है। सो डोंट फोकस ऑन दैट योर वीकनेस, स्ट्रॉन्गली फोकस दैट योर पावर ऑफ दैट योर पावरफुल स्ट्रेंथ। तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी है तो और बढ़ा लो, तुम मार्केट में कंफर्ट नहीं कर रहे हो तो किसी और को लगा लो, तुमको लगता है कि मैं मार्केट जाऊंगा तो मेरा काम नहीं होगा तो लड़के को भेज दो,
लेकिन तुम चाहते हो कि फोन पे मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा फोन लगाऊ। सो मीन इज दैट कि फोकस करो अपनी स्ट्रेंथ पे, वीकनेस पे फोकस करने का किसने बोला है? डोंट फोकस ऑन दैट योर वीकनेस, फोकस ऑन दैट योर स्ट्रेंथ। और लूज फोकस मत रखना, स्ट्रांग फोकस रखना, जो भी फोकस आप करना चाहो। लीगल चैलेंजेस, नॉलेज की कमी हमें बहुत बार हमें हरा देती। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे एक दोस्त ने जो कि एक अलग टाइप अलग इंडस्ट्री में है, और वो अपने मार्केट में अपने रिकवरी में बड़े वीक हैं। सो डियर फ्रेंड, वो लोकल उनको लीगल चैलेंजेस आते हैं, वो लीगल चैलेंजेस से उन्होंने मार्केट में फाइट किया, लेकिन लीगल चैलेंजेस में भी नॉलेज की रिक्वायरमेंट होना चाहिए। उनको नॉलेज है और वो अच्छे तरीके से उस लीगल मार्केट को लीगल तरीके से लोगों से कलेक्शन कर लेते हैं। सो लीगल नॉलेज, आपको वो सारे रूल्स पता होना चाहिए तो आप अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। बैड डेब्ट्स एंड नो रिकवरी। कई बार ऐसा होता है हमारा पैसा डूब जाता है, हमको रिकवरी करना नहीं आती है। सो दोस्तों, ये बिजनेस की सबसे बड़ी और 2019 और 20 की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नो रिकवरी, रिकवरी प्रॉब्लम, लोग पैसा नहीं देते, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, तो कई तरीके से प्रॉब्लम्स होती है, पैसा डूब जाता है। तो जब पैसा डूब जाता है तो कैसे रिकवरी करना, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और 21वीं सदी का ये जो बिजनेस है, बिजनेस स्टार्टअप से यदि फेल होने का बड़ा कारण है तो पैसा डूबना। मैं भी इसका एक बड़ा एविडेंस आपके सामने हूं कि मेरा भी मार्केट से कई जगह पैसा डूबा है, क्योंकि मैंने स्टार्टअप में पैसा डुबाया है। सो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि रिकवरी का पावर आप में होना चाहिए, वो ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए कि पैसा कैसे निकाला जाता है। लेकिन एक आपको सीक्रेट बता देता हूं, पैसा रिकवर करने का एक ही सबसे बढ़िया सीक्रेट है, और वो है आपको लोगों को कंटिन्यूअसली फॉलोअप करना है, टाइम टू टाइम फॉलोअप करना है, सुबह करना है, दोपहर में करना है, शाम को करना है, 100% आपकी रिकवरी तो कोई नहीं रोक सकता। ये सबसे बड़ा फार्मूला रिकवरी का। सो आपका कम पैसा डूबेगा लेकिन फिर भी बहुत रिकवरी आपकी हो जाएगी। इसके बाद आता है लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, यदि आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करना देना चाहते हो या आपने नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो मेरा एक ही सलाह है आपको, टेक अ कंसल्टेंट। आप एक ऐसा कंसल्टेंट हायर कर लें, जिस भी बिजनेस को आप कर रहे हो उसको यदि आपने कंसल्टेंट हायर कर लिया तो कंसल्टेंट की फीस आपको ज्यादा नहीं लगेगी, लेकिन आपके बिजनेस में जहां आप नुकसान कर रहे हो वहां आपको फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहां पे आपको कंसल्टेंट को हायर करना मस्ट है, अदरवाइज आप लाखों का नुकसान कर रहे हो लेकिन 1000 रुपए कंसल्टेंट को नहीं दे पा रहे हो, तो यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा 99,000 का नुकसान करोगे और 1000 का आप प्रॉफिट, 1000 बचाने के चक्कर में 1,00,000 का नुकसान कर जाओगे। सो डियर फ्रेंड्स, सबसे मेन चीज है लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग। इफ यू वॉन्ट टू बी अ बेस्ट बेस्ट बिजनेस लीडर, बेस्ट स्टार्टअप यू वॉन्ट टू स्टार्ट, सो सबसे पहले लर्निंग मस्ट है। लर्निंग के साथ साथ कोई अच्छे कोच को आप हायर कर लेंगे तो आपके बिजनेस में वो सारी चीजें डेवलप होने लगेगी। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज शेयर, ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर करें और एक कमेंट जरूर डालें, चाहे नेगेटिव कमेंट्स हो चाहे पॉजिटिव कमेंट्स हो, कमेंट्स मुझे बहुत नीड है एंड आई लव कमेंट्स। सो आई नीड दैट कि आप ये मेरा काम करेंगे, मैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू।